नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। 12 मई 2020 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। 12 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। हर एक पहलू पर बात करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इन्हीं दिनों से बनकर हफ्ते, महीने, साल और युग बनते हैं। तो हम समझते हैं कि आपके लिए हर एक दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं दिनों में आप इतिहास रच सकते हैं। इन्हीं दिनों में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो और आप दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 12 मई 2020 का आपकी राशि का राशिफल। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 5:36 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:59 शाम को। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शुभ वार मंगलवार, तारीख जो है 12 मई 2020। और चंद्र राशि सुबह 10 बजे तक धनु, उसके बाद मकर, और तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष पंचमी। अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त होगा 11:51 AM से 12:44 PM तक। राहु काल होगा 3:38 PM से लेकर 5:19 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार ये जो समय है कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज की गोचर कुंडली, जिसके आधार पर यह राशिफल तैयार किया जाता है। तो स्क्रीन पे आपके सामने कुंडली आ गई है। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं मेष राशि में, बुध और शुक्र वृषभ राशि में, राहु जो है वो बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और केतु जो है ये बैठे हुए हैं आपके धनु राशि में। और चंद्रमा 10 बजे के बाद स्थान परिवर्तन कर लेंगे, नवम से दशम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर युति हो जाएगी गुरु शनि और चंद्रमा की, और चंद्रमा जो है शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और गुरु के साथ गजकेशी योग भी बनाएंगे। मंगल जो है वो आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये थी ग्रहों की स्थिति आज की 12 मई 2020 की। अब बात करते हैं आज के टोटके की, उसके बाद बात करेंगे राशिफल की और दिन को बेहतर बनाने वाले उपायों की। धन लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं पाना चाहता, कौन नहीं अमीर बनना चाहता, कौन नहीं पैसा कमाना चाहता और कौन नहीं पैसे को बचा के रखना चाहता है। तो धन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को घर के किसी पास के मंदिर, या अगर मंदिर वगैरह भी बंद हैं तो आप अपने ही घर पे कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की फोटो होगी, माँ लक्ष्मी और नारायण की फोटो, उन फोटो या मूर्ति के समक्ष सुगंधित चंदन को जलाएं, सुगंधित चंदन अर्पित करें और धूप इत्र जो भी सुगंधित चीजें होती हैं वो भगवान को चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। और जब मंदिर खुल जाए तो वहां पर जाकर दे आइएगा, और अपने घर पर भी खूब सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, भगवान को अर्पित करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी खुशबू आती है उसका प्रयोग करें। यहाँ पे पैसों का कमी मत करिएगा, जितना आप सुगंधित इत्र या धूप बत्ती भगवान के समक्ष जलाएंगे उतना ही माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण की आराधना भी करिए, दोनों की करिए, तो निश्चित तौर पे आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं राशिफल की। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट से धन कमाया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। आपकी संतान आज आपके साथ होगी, संतान का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप बिना झंझट पाले, बिना किसी हिचकिचाहट के सुकून से काम कर सकेंगे। आज आपके ऊपर काम की टेंशन नहीं होगी, कि एक दबाव में काम नहीं होगा, फ्री माइंड होकर काम होगा। आज आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, और जिस तरीके का आपका स्वभाव है, जिस तरीके का आपका स्टाइल है,
जैसे आप काम करना चाहते हैं या चाहती हैं उस तरीके से आप काम करेंगे या करेंगी। आपके माता पिता की कोई अच्छी सलाह आपके काम आ सकती है जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार या ऐसा कोई मित्र आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकता है जिससे आपका काम बन सकता है या कोई काम बहुत आसान हो सकता है। आज आपके अंदर प्रेम होगा और आप प्रेम से लोगों से बात करेंगे, प्यार से लोगों से काम करेंगे, करवाएंगे, जिससे आपके काम बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे। आज ऑफिस के माहौल में आज आप अगर कोई मायूसी है, कोई परेशान है, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर देंगे, सबको हंसा देंगे या सबका मूड एकदम से बदल देंगे और काम भी बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे। अगर आप बॉस हैं तो अपने नीचे की जो टीम है उसको बहुत मोटिवेट करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से काम करो, चिंता मत करो, हमें ये लक्ष्य पूरा करना है। यानी कि सामने वाले के अंदर वो ताकत, वो ऊर्जा आज आप भर देंगे कि आपकी टीम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी और इसका फायदा टीम को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। आज आप घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ खाएं, उनके साथ पिएं, उनके साथ एंजॉय करें। घर में जो छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं वो सब खेलें और वैवाहिक जीवन भी आज आपका जो है खूब सारे रंगों से भरा होगा, क्योंकि आज प्यार की कोई कमी नहीं है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और हर तरीके से आप जीवन साथी को या अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश रखेंगे। चाहे महिला हो आप, चाहे पुरुष हो, आप अपने काम पर भी ध्यान बना के रखेंगे और काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, काम से मन को भटकाएंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम परिवार में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं खेलों में और उत्साह में, हम अपने जरूरी कामों को टाल देते हैं कि अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। काम भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी करिएगा। ससुराल पक्ष से कोई थोड़ी सी आपको अनबन जैसी खबर मिल सकती है या हो सकता है कोई छोटी मोटा वाद विवाद हो जाए। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी मत रखिएगा। हो सकता है आज रात शाम को जब बिस्तर पर जाएं सोने के लिए तो थोड़ा सा मांसपेशियों में दर्द हो, तो इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ी सी मसाज की आवश्यकता पड़े। तो अगर आप स्वयं मसाज कर सकते हैं, अपने हाथ पैर दबा लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आप की जो नसें हैं उनमें तनाव हो सकता है, तो ये सब काम की वजह से भी और बहुत सारी जो आपने मौज मस्ती करी है उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हमें तब पता चलता है जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी आराधना करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। राधे राधे का नाम जितना लेंगे, राधा जी को बुलाएंगे, कृष्ण अपने आप चले आएंगे। आज के दिन आप भगवान कृष्ण को कुछ मक्खन का भोग लगा सकते हैं, घर का बना मक्खन, जो सफ़ेद मक्खन होता है, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आपका भी आज का दिन बहुत अच्छा बीत रहा है और कहीं से भी कोई निराशा नहीं है। आपको 66% भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई छोटी बड़ी समस्या है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अभी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चल रही है। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलेगी, सब कुछ सामान्य होगा, तो फिर से ऑफिसेज खुलेंगे, हमारे विजिट्स होंगे अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल अभी आप वीडियो चैट के थ्रू या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो स्थिति प्लस आपकी जन्म कुंडली के समय जो ग्रहों की स्थिति थी, दोनों को मिलाने के बाद आपको राशिफल के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो आज की कुंडली तो हमें पता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है ये हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको कुंडली की विवेचना कराना बहुत आवश्यक होता है ताकि आपको पता चल सके कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अशुभ है, क्या शुभ है, और कुछ अशुभ है तो उसको शुभ कैसे किया जा सकता है। तो ये जो हम डेली का राशिफल आपको बताते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आज की कुंडली के ऊपर, गोचर कुंडली के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो इसी आधार पर ही आपको रिजल्ट को देखना चाहिए। और अगर आज आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उपाय जो मैंने आपको बताए उनको जरूर करिएगा, इससे आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके काम आसानी से बनेंगे। भगवान आप सभी जातक जातिकाओं की इच्छाओं की पूर्ति करें और आपका दिन मंगलकारी हो और आप लोग स्वस्थ रहें। हरिओम, नमस्कार।